आज सुबह करीब 7:15 बजे नैनीताल के मल्लीताल क्षेत्र में गॉर्डन हाउस के तिराहे पर लगे बिजली के खंभे में बंदरों ने तारों पर उछल कूद की, जिसकी वजह से कुछ तार टूट गए और उनमें चिंगारी भड़क उठी। देखते ही देखते बिजली के खंभे में आग लग गई। पोल के आसपास के लोगों में ये नज़ारा देखकर दहशत फैल गई। ज्यादातर लोग घरों से बाहर आ गए। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं कोई तार उनके घर में न चला जाए। बिजली के खंभे से आग के साथ साथ करंट भी बह रहा था। तार टूटकर रास्ते में गिरने लगे। गनीमत रही कि इन टूटे तारों और पोल से निकलती आग की लपेट में कोई नहीं आया। इस रास्ते से सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो आवाजाही सुबह से ही यहां लगी रहती है। बिजली विभाग को इस घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद तुरंत यहां की बिजली सप्लाई बंद कर दी गई। बिजली की सप्लाई अब भी यहां बाधित है। आसपास के लोगों का कहना है कि यहां बंदरों ने आतंक मचाया हुआ है। पहले भी बंदरों ने बिजली के तारों को तोड़ दिया था और एक बिल्डिंग में कट दौड़ गया था, जो सूचना देने पर बिजली विभाग द्वारा ठीक कर दिया गया था। ये बिजली का पोल तिराहे पर है और इसी पोल में बिजली के तारों के अलावा वाईफाई कनेक्शन भी जोड़ा गया है, जो पूरी तरह जलकर राख हो गए हैं। आवाज़ इंडिया के लिए नैनीताल से कंचन वर्मा की रिपोर्ट।